अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर में ग्रिड्स के बारे में कि पर्सपेक्टिव ग्रिड के टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग्स को ग्रिड्स पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो तीन तरह के व्यू पॉइंट्स हैं इसके अंदर हमारे पास, एक है लेफ्ट, एक राइट और एक टॉप है। ये कब मिलते हैं हमें, जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड्स का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे एक्टिवेट होता है हमारे पास आ गया लेफ्ट, ये आ गया राइट और ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल ग्रिड। तो यानी कि ड्राइंग को आप तीन तरह से शो कर सकते हैं। अगर आप किसी ड्राइंग को शो कर रहे हैं मिसाल के तौर पर कि वो सामने तो सीधा दिख रहा है और आगे जाके वो आपस में मिल रहे हैं तो ये भी एक ग्रिड है, और किसी ड्राइंग को ऊपर से शो कर रहे हैं कि ऊपर से वो बड़ा नजर आ रहा है फिर नीचे जाके छोटा नजर आ रहा है, या फिर आप किसी ड्राइंग को नीचे से दिखा रहे हैं कि वो नीचे से छोटा और ऊपर जाके थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये तीनों पर्सपेक्टिव ग्रिड्स के अंदर सेट किए जा सकते हैं। अब इसका जो यूटिलाइजेशन है कि आप कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई वॉल शो करनी है या कोई इस तरह की चीजें दिखानी है तो उसमें कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप इस ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं, मैंने जैसे बताया कंट्रोल शिफ्ट आई को दबाएंगे तो ऑफ हो जाता है, और यहां से आप एक स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर सीधा है। अब आपको उसको ग्रिड्स मतलब पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए आपको उसको पर्सपेक्टिव करना पड़ता है, मतलब आप दोनों साइड से पर्सपेक्टिव करेंगे इसको, समझेंगे क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको पर्सपेक्टिव करेंगे। तो थोड़ा मुश्किल अमल हो रहा है इसको तो देखना, यहां से इस तरह से और इसको इस तरह से पर्सपेक्टिव करना पड़ता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप फिर इस साइड से पर्सपेक्टिव करें इसको, ठीक है, और तीसरा ये कि फिर आप ऊपर से इसको पर्सपेक्टिव करें इस तरह से, ओके। तो यही सारी चीजें जो है ऐसे करने के बजाय आपके पास इसमें बड़ा कंट्रोल ऑप्शन है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव। मैं भी इसको डिलीट करता हूं और थोड़ा सा कुछ इसको बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने अगर यहां से इसको पर्सपेक्टिव को ऑन किया तो जब आप यहां क्लिक करेंगे तो इस साइड वाला पोर्शन आपका क्रिएट हो सकता है इसी स्टाइल में जो आप यहां रखेंगे, और जब आप यहां से यहां पे क्लिक करेंगे तो इस साइड का पोर्शन क्रिएट हो सकता है। इसी तरह जब नीचे का कोई हिस्सा आपने बनाना है फ्लोर या उसकी रूफ, तो फिर आपने यहां क्लिक करना है तो उसका नीचे का हिस्सा इसका डिजाइन हो सकता है। अगर सपोज अगर हम यहां पे क्लिक करके एक स्क्वायर बनाते हैं तो देखिए इसी स्टाइल से बनेगा, ठीक है, आगे जाके वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आप पर, थोड़ा कंट्रोल करना है तो शिफ्ट का बटन दबा ले और ठीक। इसी तरीके से अब इसकी दूसरी साइड आपको बनानी है तो आपने फिर ये वाला ऑप्शन ले लेना है और अब उसको वहां पर ड्रॉ कर ले। अब उसमें होता है कि अगर एक साइड आपने बड़ी रखी है तो एक साइड पर थोड़ी छोटी दिखानी होती है, ओके, इस तरह से बना ले। लाइक वाले कलर फिल कर ले इसके अंदर, अब इसमें एक पर थोड़ा डार्क कर ले और एक पर थोड़ा सा लाइट कर दे, क्योंकि एक साइड डार्क होती है और एक साइड लाइट होती है। उसके बाद ग्रिड्स को ऑफ कर दे कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये देखिए इस तरह का एक आपका जो है डिजाइन इसके ऊपर क्रिएट होता है। आउटलाइंस को अगर ऑफ कर दे तो ये ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें यहाँ पे क्लिक करके, ये आप इस तरह से बताए, अगर इसमें आपको उसको थोड़ा सा मूव करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो ये भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। साथ साथ इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपको उसका फ्लोर या रूफ क्रिएट करना है तो इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसके नीचे वाला ऐसे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो नीचे वाले ऐसे में क्लिक करें और अब ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये देखिए, ठीक है। और यहां से इस तरह से, तो अब ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ये आपने यूटिलाइज करना है और अपनी ड्राइंग्स को उसमें कंप्लीट करना है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट आई करके ये आपको ड्राइंग बनाने के में हेल्प करेगा ग्रिड्स वॉल्स के हवाले से। अच्छा चलिए, हम इसके अंदर अगर डोर वगैरह में क्रिएट करना हो तो जिस तरीके से क्रिएट करेंगे, जैसे कि अगर हम यहां से क्लिक करके इसके कोई डोर बनाना चाहते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो देखिए बड़ा आसान है कि आप यहां पर इसको ऐसे करके ड्रॉ करें,
अब आप देखेंगे ये तो बाहर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि ये आपने इस साइड का बनाया, आप इसको यहाँ क्लिक करके ड्रॉ करते ये बड़े आराम से इसके ऊपर बन जाता। ये देखिए डोर का हमने स्टाइल इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। हाँ वो इसके असाइनमेंट में आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहां से हमने जो है इसको एक डोर क्रिएट कर दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर कोई भी हल्का सा डार्क कलर जो है यहाँ पे फिल कर देते, ठीक है, और बहुत ही डार्क कर देते। ये इसके अंदर डोर का स्टाइल क्रिएट हो गया। थोड़ा सा डोर की डेप्थ शो करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो डोर की डेप्थ शो करने के लिए आपने यहाँ पे रख के और उसको इस तरह से क्रिएट करना है, क्योंकि ये इस साइड का व्यू है ना, तो इसकी जो डेप्थ है वो इस साइड पे आएगी। और उस पर क्लिक करके थोड़ा सा जल्दी डार्क ऑप्शन यहाँ से आप ले लें, तो ये देखें आपको जो डोर की डेप्थ है वो पूरी की पूरी आपको यहाँ पे इस तरह से मिल रही है, सही। आगे क्लियर लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर कुछ विंडोज आपको इस साइड पे क्रिएट करनी है, मतलब तो जैसे विंडोज है या आपके कोई किस्म के आइटम्स क्रिएट करने, तो उसके लिए फिर ये है कि आप यहाँ से इसको पहले ड्रॉ करें, जैसे कि ये आपने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मामला थे थोड़ा सा इसी तरह के रखते हैं, या उसका कलर थोड़ा डार्क ब्लू कर लेते हैं यहाँ से, और उसमें हमने जो है इसको ऑयल की मदद से थोड़ा सा आगे ले गए। अब देखिए थोड़ा आगे जा रहा है, इस तरह से ये बाहर आ रहा है, और अगर आप इसको ऑल के साथ यहां से हम लेते हैं टूल, इसका नाम है परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, उसकी मदद से अगर आप ऑल के साथ लेंगे तो आप एक नोट कर रहे होंगे वाजे फर्क के, ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता जा रहा है। देखिए मैं अगर नॉर्मल एरो की से ले रहा हूं, ऑल्ट का बटन दबा रहा हूं, तो ये देखिए इस तरह से बाहर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से ऑल्ट का बटन दबा के उसकी डुप्लीकेट ले रहा हूं तो बाहर नहीं आ रहा, बल्कि एक डिस्टेंस पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जा रहा है, और कंट्रोल डी दबाऊंगा ये ऑटोमेटिकली इसको आगे आगे भी एडजस्ट करता चला जाएगा विड्थ ऑफ हैंग के पास। देन एंड आफ्टर आप इसके अंदर जो है एक हल्का हल्का सा शेड भी शो करना चाहेंगे कि लाइटिंग इफेक्ट्स के हवाले से जो शो शेड है इसके ऊपर, तो फिर आपने ये वाला साइड लेके आपने इसके अंदर यहाँ पे ड्रॉ करना है, देखिए इस तरह से ड्रॉ करना है, और देन आफ्टर फिर आपने इसके अंदर कोई कलर वगैरह और इसकी जो थोड़ी सी साइज वगैरह है वो सिलेक्ट करना है, तो स्पेक्टिव सिलेक्शन टूल लेके हमने यहां से क्लिक किया, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं अंदर की तरफ, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं लाइट कलर दे रहा हूं ताकि इस तरह से जाहिर हो, लेकिन मैं इसको बिठाने की कोशिश कर रहा हूं प्रॉपर तरीके से इसको बैठ जाए। ओके अब ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ओके ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको जो है अब वही टूल लेता हूं अपना प्रोस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर टूल्स, ऑल्ट की मदद से मैं इसको ले जाके, लेकिन अभी ये नहीं हुआ एडजस्ट उसके साथ क्योंकि ये उसके अपोजिट साइड पर है, ऑल्ट की मदद से लेकर गया हूं मैं यहां पर रख दिया इसको मैंने, कंट्रोल डी अंडू। अच्छा एक और शॉर्टकट की बता रहा हूं, देखिए पहले ये ऑल्ट की मदद से नहीं हो रहा था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे था, तो मैंने उसके साथ साथ ऑल्ट के साथ फाइव पांच नंबर वाला बटन वो भी मैंने दबाया, ऑल्ट फाइव
और ये देखिए ऑटो एडजस्ट कर रहा है उसके हवाले से, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी, ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट कर दिया। अब वो पीछे चला गया इसके, तो इसको जाके टू बैक करते जाए, टू बैक में ज्यादा ही पीछे चला गया। इस वाले ऑब्जेक्ट को टू बैक करें और इन वाले ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट फॉरवर्ड करें। साथ साथ ये करना पड़ेगा वरना वो पीछे छूट जाएगी उसके, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लें इनको। एडजस्ट करने के लिए भी यही टूल यूज करना है। तो ये देखिए कि इस तरह से आप इसके अंदर एक इफेक्ट जो है बेहतर तरीके का क्रिएट कर सकते हैं, तो जो रेंट विंडोज के हवाले से। इसी तरह से अगर आपको ऊपर कोई टेक्स्ट बोर्ड आपने एक शो करना है तो आप वहां से बना के भी ला सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि एक और आर्ट बोर्ड लेना होगा। फिलहाल आप अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑफ कर लें। ग्रिड ऑफ करने का तरीका ये कि कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दें, ऑफ हो जाएगा। और एक और आर्ट बोर्ड बनाने का तरीका ये है कि यहां से इतनी मौजूद है आर्ट बोर्ड का, यहां पर एक आर्ट बोर्ड बना लें। माउस थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस पर। और जैसा कि अगर आप उसके ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं एक और कुछ टेक्स्ट भी इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिया हमने इस पर। और लिखने के बाद शिफ्ट के साथ इनके कलर्स वगैरह को भी आपने यहां पे मेंटेन कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये ले जाकर उसको फिट करना है, तो यहां पर भी वही मेथड अप्लाई होगा जो कि आपको वहां बताया गया है। आपने क्या करना है, एक आर्ट बोर्ड से डेटा वहां लेके जा रहा है, तो यहां से आपने इस वाले आर्ट बोर्ड पर आना है, सिलेक्ट कर लेना इसको और अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड मोड ऑन कर लेना है। ये ऑन है, यहां ऑन नहीं है। यहां से फिर आपने लेना है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्ट करना है इसको, ऑल्टर फाइव लेके जा रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि इस दीवार पे लगाना है या उस दीवार पे लगाना है, उसका सलूशन ये है कि देखिए आप यानी यहां आइए और जब आपने यहां आके इसको खोला था पर्सपेक्टिव ग्रिड को, तो आपने इसकी किस साइड को ओपन कर रखा है, यानी कि वो जो हमारे पास एक इसका कैडजेट आ रहा है, तो टॉप लेफ्ट है टॉप राइट कर देते हैं इसको, ये आ रहा है यहां पर कर दिया, ठीक है। अब इसको यहां से लेके जाइए सिलेक्शन टूल की मदद से, सिलेक्ट किया इसको पूरा, ऑल्टर फाइव उसी तरीके से आगे साइड पर मैंने लिया इसको ऑल्टर फाइव, माउस मेरा बार बार बोल रही है छोड़ रहा हूं, ये लीजिए परफेक्ट तरीके से आगे और उसको यहां पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें आप बना के वहां से लाके यहां पे लगा सकते हैं, ठीक।
जैसे आप वहां से कुछ बना के लाके आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑल्टर 5 दबा के यहाँ से अपना जो भी लेफ्ट राइट का मामला सेट करके और यहाँ पे लाके लगा सकते हैं, और उसके बाद बाद में भी आप इसको ऊपर नीचे देखिए मैं एरो कीज की मदद से एडजस्ट कर सकता हूँ, यहां से भी इसको थोड़ा बहुत ऑल्टर 5 दबा के लेफ्ट राइट की पोजीशन है और ये टॉप बॉटम की पोजीशन से यहां पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बड़े आराम से इसके अंदर कर सकते हैं। अब रहा स्टेट्स बनानी है, सपोज टू बी आपको तो ये मेरे एक फॉर्मूला तो स्टेट्स बनाने का दे ही दिया है और इसको परफेक्टली करके देख ले। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेट्स बनाने की बात कर रहे थे तो उसमें यहां पर टूल ले लें, यहां से पहले इसको सेट कर लें। ठीक है, अब आपने जैसे कि जो लेव बनाया स्टेट का, अब आपने स्टेट अप बनाना है तो ये वाला स्टेप लीजिए। और एक ये स्टेप ये बनेगा इसके ऊपर। अब इसमें भी थोड़ा सा लाइट एंड डार्क का रखना है प्रोसीजर कि कौन सा लाइट रहेगा कौन सा डार्क रहेगा, तो उसको ऐसा करते हैं कि हम यहां से इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। आई थिंक लाइट सीधी पड़ेगी, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं और तो नीचे वाला है इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, और फिर से हमने एक इसके ऊपर स्टेप बनाना है तो यहां से क्लिक करके अब हमने ये वाला हिस्सा दोबारा दे रहे हैं। हो ये रहा है कि वो जो हिस्सा है वो पीछे चला गया, तो उसको पर्सपेक्टिव टूल से मदद से पकड़ के ऑल्टर 5 आगे ला रहे, पीछे से उसको क्लिक कर रहे, ऑल्टर 5 से डुप्लीकेट क्रिएट होगी, अगर डुप्लीकेट नहीं जाते तो 5 दबा ले, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे ले आते हैं इसको 5 और यहां से इसको ये देखिए। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला स्टेप जो है दोबारा से आपने ऊपर लेके जाना है, तो ऑल्टर क्लिक करें इसके ऊपर टूल से ऑल्टर 5 सही बन गया ये। अच्छा, इसी तरीके से ये स्टेप्स जो क्रिएट हुए उसके साइड वाले पोर्शंस को आपने ऑफ करना है, तो थोड़ा ज़ूम करके देखिए अगर इसके बीच में गैप है या ये थोड़ा आगे आना चाहिए तो उसको आपने फिर स्टेप टू स्टेप टाइम टू टाइम आपने वो चीजें करती रहनी है। ठीक है, और इसी तरीके से अब यहां वाला पोर्शन आपने क्रिएट करना है कि ये ओपन है के लिए आपने ये सही नहीं क्योंकि ये लिया ये साइड लेना है, ये करके इसको थोड़ा डार्क कर ले। ठीक है, इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा स्टेप जो इसका क्रिएट कर लिया और ये आपको सब से नजर आ रहा है। बाकी ये कि थोड़ा बहुत उसको कम ज्यादा करना है वो चीजें तो आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्ट कर आप यहां पर भी इसी तरह से कोई ऑप्शन क्रिएट करना है तो वो भी आप यहां पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ही जो ड्राइंग्स होती है पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स कहते हैं उनको, कंट्रोल शिफ्ट आई, उनको बड़े आराम से हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं और काफी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम इसको बना के दिखा सकते हैं।
उसको थोड़ा सा और अच्छा करना हो तो जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ा सा नीचे से अच्छा दिखे काफी, तो फिर उसमें ये कि दोबारा से उसको पर्सपेक्टिव को ऑन कर लेंगे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आए। और ये जो आप इसके नीचे वाला हिस्सा बना रहे थे, ये पूरा जो नहीं बनाता, मैं इसको डिलीट करके इसको एक फर्स फिर से बनाता हूँ। उसको यहाँ पे ये यहाँ से क्लिक करके देखिए, ठीक है, और उसी तरह का एक वहां पर भी मामला बना देंगे। और फिर इसको बैक फ्रंट सबसे आगे करने में फिर यही मसला हुआ कि वो उसको एक एक करके तो बैक करते जाए उसको। इस तरह बीच वाले गेप को भी आप फिल कर सकते हैं, पैंट टू के जरिए से भी कर सकते हैं, इस तरह से और आप इसको थोड़ा सा इस तरह दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह की चीजें आप बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का बाहर का लुक वगैरह, तो यही सारी चीजें जो है आपको हेल्प कर रही होती है। अब जैसे इन खिड़कियों में भी थोड़ा सा एक चीज थी कि अगर आप साइड वाला दिखा रहे हैं तो नीचे वाला पोर्शन भी आपको दिखाना चाहिए, तो ये भी आप इसके अंदर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कि ज्यादा बड़ा बन गया है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे पकड़ के। इसके लिए बेहतर रहेगा ये वाला टूल, साइज का बटन दबाए एडजस्ट करें इसको नीचे ऊपर जहां पर होता है ये। और कलर स्पेस पे जो है इस तरह के ऐसे ही रखें और उस पर राइट बटन दबा के टू बैक कर दें। लेकिन टू बैक करेंगे तो ब्लू के पीछे चला जाएगा, उस पर एडजस्ट करें इसको। अब इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में हमें इसको इस तरह से ही दिखाना होता है, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई अब ये अगर टू बैक करते हैं तो वो पूरा ब्लू ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाता है, तो फिर बाकी हिस्से को हमें इस पर कट कर देना चाहिए, यानी कि इरेजर या नाइफ टूल की मदद से इसको इस तरह से कट कर देना चाहिए ताकि वो इस तरह से नजर आए कि भाई ये साइड तो क्लियर नजर आ रही है दूसरे, और दूसरी साइड जो है वो नजर नहीं आ रही, तो वो इस तरह से सबके स्लैब्स भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसको इतना करके बना के देखें, और जैसे वो आप कह रहे हैं कागज का मजार बनाना है तो वो आप एक तस्वीर सामने रख के बनाएंगे तो वो फिर इजीली बन जाए।